नमस्कार, एसआर अशोकनगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजेंद्र लोधी। अगर आप अशोकनगर जिले के सभी घटनाक्रम या जानकारी या गतिविधियां को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अशोकनगर में विश्वामित्र अवार्ड से सम्मानित बुसु कोच ब्रजेश धुरैटे ने स्थानीय विधायक गोपीलाल जाटव की बात खिलाफी से नाराज होकर अपना अवार्ड सरकार को वापस कर दिया है। 2016 में विश्वामित्र अवार्ड से नवाजे गए बुसु कोच ब्रजेश धुरैटे द्वारा प्रशिक्षित अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुसु प्रतियोगिताओं में गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज जैसे कई मेडल देश के लिए हासिल कर चुके हैं। यही कारण रहा कि धुरैटे द्वारा प्रशिक्षित अशोकनगर के 4 बुसु खिलाड़ी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुसु में भारत का नाम रोशन करने वाले बुसु कोच ब्रजेश धुरैटे अशोकनगर बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव की बात खिलाफी से आहत होकर भावुक हो गए और रूंधे गले से अपना विश्वामित्र अवार्ड वापस करने की बात कहते हुए नाजात आए। बाद में कलेक्टर पहुंचकर उन्होंने अपना प्रतिष्ठित अवार्ड अपर कलेक्टर अनुज रोहतगी को वापस कर दिया है। अवार्ड वापस करने की बजाय के बारे में बुसु कोच ब्रजेश धुरैटे बताते हैं कि 2 साल पहले विधायक गोपीलाल जाटव ने खुद ही बुसु खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बुसु हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से देने की घोषणा की थी। रविवार को बुसु कोच खिलाड़ियों के साथ विधायक के पास पहुंचे और घोषणा याद दिलाई तो विधायक ने इस तरह की कोई घोषणा न करने की बात कही और राशि देने से इनकार कर दिया है। विधायक की बात खिलाफी से आहत धुरैटे मौके पर ही प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया विश्वामित्र अवार्ड विधायक गोपीलाल जाटव को लौटाने लगे, लेकिन विधायक ने यह कहकर मना कर दिया कि जिसने दिया है उसी को लौटाओ। बुसु कोच धुरैटे ने बताया कि उन्हें यह अवार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिया था, इसलिए अब स्थानीय प्रशासन के जरिए साल 2016 में मिला विश्वामित्र अवार्ड मुख्यमंत्री को लौटा रहे हैं। इस अवार्ड के साथ धुरैटे ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी अपर कलेक्टर अनुज रोहितगी को दिया है, जिसमें लिखा है कि मैं किसी के बहकावे या दबाव में ना आकर स्वेच्छा से इसे लौटा रहा हूँ। वहीं अवार्ड को प्रदान करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी लिखा और कहा कि इसे सम्मान स्वीकार करें। प्रदेश के सम्मान जुड़े इस मामले में अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा की संवेदनहीनता भी सामने आई है। विश्वामित्र अवार्ड लौटाने जैसे इस बड़े मुद्दे पर जब कोच ब्रजेश धुरैटे, अंतर्राष्ट्रीय बुसु खिलाड़ी अनुष्का दुबे, अवंती लोधी, राजदीप ढिल्लो और मुश्ताक खान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें कलेक्टर से समय ही नहीं मिला। इसके बाद वह अपर कलेक्टर अनुज रोहितगी के पास पहुंचे और अपना विश्वामित्र अवार्ड उन्हें लौटा दिया। अपर कलेक्टर ने धुरैटे से कहा कि बड़ा सम्मान है, इसे ऐसे क्यों वापस कर रहे हो। इस पर कोच ने कहा, साहब रख लो, दुखी मन से लौटा रहा हूँ। जब बुसु खिलाड़ियों को 10 साल में अभ्यास के लिए जगह नहीं मिल पा रही है तो मैं कैसे इसे अपने पास रख सकता हूँ। बुसु के माध्यम से देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा करने वाले कोच ब्रजेश धुरैटे अशोकनगर में बीते 12 साल बुसु के खिलाड़ी तैयार करने में जुटे हुए हैं। उनकी सेवा में बदले खेल कोटे से उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन धुरैटे ने वह नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि बुसु खेल का जिले में बंद ना हो जाए। धुरैटे लंबे समय से बुसु खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए जगह की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुसु जैसे खेल में देश का नाम चमकाने वाला खेल का यह साधक नेताओं की बात खिलाफी से टूटा नजर आया है। वजह सिर्फ एक ही है कि जो सम्मान खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, खेलों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और खेलों के प्रति लोगों का मन जुड़ा रहे, आगे बढ़े, जोश बना रहे उनमें, वो एक उद्देश्य रहता है कि खिलाड़ियों और कोचेस को अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने बहुत उल्टा किया है। 2016 में उन्होंने घोषणा की थी कि बुसु के खिलाड़ियों के पास कोई सुविधा नहीं है, हॉल नहीं है, मैं उनको हॉल बनाने के लिए, सुविधाओं के लिए 11 लाख रुपये दूंगा, जो कि आज दिनांक तक उन्होंने दिए नहीं। कल जब मैंने उनको एक कार्यक्रम में अपनी व्यथा सुनाई, उन्होंने छुट्टी तक पैसे कब तक दिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी जो मैं आपको पैसे दूँ। वो चीज़ मेरे दिल को बहुत छू है, बहुत आहत हुआ उस चीज़ से अंदर तक। वो बहुत बुरा लगा मुझे कि इन्होंने कहने के बाद ये बदल गए, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा फील हुआ। इसलिए मैं अवार्ड वापस कर रहा हूँ कि ऐसे अवार्ड का मैं क्या करूँगा। इस अवार्ड का, जिस अवार्ड से मेरे और मेरे बच्चों का आज तक ऐसी कोई जगह नहीं जा पाऊँ, ट्रेनिंग करा पाऊँ। करीला
तिलक ट्रस्ट भंग करवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे साधु संतों के पक्ष में बिहप बजरंग दल आ गई है। तीसरे दिन बिहप पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम SDM नीलेश शर्मा को ज्ञापन दिया। बिहप प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख दीपक मिश्रा ने कहा कि पिछले 3 दिन से महंत केशव दास महाराज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। महाराज को करीला मंदिर में निवास के लिए व्यवस्था की जाए, जो प्राचीन समय से संत परंपरा का मंदिर है। इसमें संत को ही ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की परंपरा है। संतों का आमरण अनशन पर बैठना चिंता का विषय है। बिहप जिलाध्यक्ष दिनेश जैन, जिला मंत्री अशोक रघुवंशी, जिला संयोजक संतोष शर्मा, राम कुमार चौधरी, नीलेश जैन, वकील लोधी, विकास जैन आदि उपस्थित रहे। जो महंत श्री केशव दास जी महाराज करीला वाले अनशन पर बैठे हैं 3 दिनों से, ये चिंता का विषय है। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो मंदिर हैं वो महंत परंपरा का मंदिर है, उसमें महंत जी को स्थान दिया जाए। इसी मांग को लेकर हम विश्वहिंदु परिषद समर्थन करता है और चिंता व्यक्त करता है प्रशासन से। अभी हम बात करने वाले हैं, इस मामले को जल्दी सुलझाए प्रशासन। हमारे संतों का स्वास्थ्य अगर खतरे में आता है तो सारा समाज इसके खिलाफ है और संतों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।